हेलो दोस्तों, स्वागत है यार एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज किस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ बिग बैश लीग 2022-23 के 32वें मैच की प्रेडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार दोपहर में 12:35 से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच मेलबर्न रेनेगेड्स और ओबर्ट हरिकेन्स के बीच में 7 जनवरी 2022 को डकलैंड स्टेडियम मेलबर्न में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ ही में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैन फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं मेलबर्न स्टार्स से 35 रन से, और इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम एरोन फिंच, मार्टिन गुप्टिल, सैम हार्पर, सोन मार्स, जोनाथन वेल्स इनके बैट्समैन है, मैगजी हार्वे, विल सदरलैंड इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, अकिल हुसैन, टॉम रोजर्स, केन रिचर्डसन इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, मार्टिन गुप्टिल ने 32 रन की पारी खेली थी, साथ में यार सोन मार्स ने भी 32 रन बनाए थे और मैगजी हार्वे ने भी 32 ही रन बनाए थे, और दोस्तों टॉम रोजर्स ने बढ़िया बॉलिंग की थी, दोस्तों 5 विकेट निकाले थे। दोस्तों बात करते हैं इनके अपोनेंट टीम होबर्ट हरिकेन्स के बारे में। ये अपना लास्ट मैच हार कर आ रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स से 7 विकेट से, और इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम मैथ्यू वेड, केले जेवल, बेन मैकडॉरमेट, जैक काबिल, टीम डेविड, आसिफ अली इनके बैट्समैन है, मिशेल ओवन, फहीम अशरफ इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, नाथन एल, पैट्रिक दुल्ले, रियल मैड्रिड इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, बेन मैकडॉरमेट ने 57 रन की पारी खेली थी, साथ में यार केले जेवल ने भी 54 रन बनाए, और यार जैक काबिल ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, 54 रन की पारी खेली थी। दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 16 मैच खेले गए, जिनमें से मेलबर्न रेनेगेड्स ने 7 मैच जीते हैं, जबकि यार होबर्ट हरिकेन्स ने 9 मैचों में जीत दर्ज की है, और मेलबर्न रेनेगेड्स का 222 रन का हाईएस्ट स्कोर है होबर्ट हरिकेन्स के खिलाफ, जबकि यार होबर्ट हरिकेन्स का 223 रन का हाईएस्ट स्कोर है मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ। दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स का 103 रन का लोएस्ट स्कोर है होबर्ट हरिकेन्स के खिलाफ, जबकि यार होबर्ट हरिकेन्स का 102 रन का लोएस्ट स्कोर है मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ। दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स ने 7 में से 3 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि यार 4 मैचों में बाद में बैटिंग करते हुए इन्होंने जीत दर्ज की है, और होबर्ट हरिकेन्स ने 9 में से 5 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि यार 4 मैचों में बाद में बैटिंग करते हुए इन्होंने जीत दर्ज की है। दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 4 मैचों में हार करा रहे हैं, जबकि यार 1 मैच में जीत करा रहे हैं, और होबर्ट हरिकेन्स अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 2 मैचों में जीत करा रहे हैं, जबकि यार 3 मैचों में हार करा रहे हैं, और इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 10 मैचों में से मेलबर्न रेनेगेड्स ने 3 मैच जीते हैं, जबकि यार होबर्ट हरिकेन्स ने 7 मैचों में जीत दर्ज की है, और इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 4 मैचों में होबर्ट हरिकेन्स ने जीत दर्ज की है, जबकि यार मेलबर्न रेनेगेड्स ने 1 मैच जीता है, और यार इन दोनों टीमों के बीच में इस सीजन में 1 मैच पहले हो चुका है, जिसको होबर्ट हरिकेन्स ने जीता था 8 रन से, जबकि यार इन दोनों टीमों के बीच में पिछले सीजन में 2 मैच खेले गए थे, जिनमें दोनों ही मैचों को होबर्ट हरिकेन्स ने जीते थे। दोस्तों देखो यार यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं आपको ठोस की प्रेडिक्शन देता हूं, ठोस होने के बाद में फैंटेसी टीम देता हूं, और दोस्तों फाइनल मैच प्रेडिक्शन भी हम टेलीग्राम चैनल पर ही बताते हैं, तो लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। दोस्तों यह मैच डकलैंड स्टेडियम मेलबर्न में खेला जाएगा, यहां पर जो भी टीम ठोस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि यार यहां पर बाद में खेलने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहां पर अभी तक टोटल ओवरऑल 56 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 27 मैच जीते हैं, जबकि यार बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहां पर 29 मैच जीते हैं, यहां पर एक भी मैच टाई नहीं हुआ, यहां का एवरेज स्कोर 160 रन का है, जबकि यहां का हाईएस्ट स्कोर 222 रन पर 4 विकेट का है, जो कि यार मेलबर्न रेनेगेड्स का ही है, और यहां का लोएस्ट स्कोर 57 रन पर 10 विकेट का है, यह भी दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स का ही है। यहां का स्कोर पैटर्न है 150 के नीचे 15 बार, 150 से 169 के बीच में 19 बार, 170 से 189 के बीच में 15 बार, और 190+ यहां पर 7 बार स्कोर गया है। दोस्तों यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम के 47% जीतने के चांसेस रहते हैं, जबकि यार बाद में बैटिंग करने वाली टीम के 53% जीतने के चांसेस रहते हैं। यहां पर फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर 161 रन का है, जबकि यार सेकंड बैटिंग का एवरेज स्कोर 144 रन का है, और इस सीजन में यहां पर अभी तक 2 मैच खेले गए, जिनमें दोस्तों बाद में खेलने वाली टीम ने मैच जीते हैं। दोस्तों यहां पर बॉलरों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, यहां पर फास्ट बॉलरों को 68% विकेट मिलते हैं, जबकि यार स्पिनर बॉलरों को यहां पर 32% विकेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मेलबर्न रेनेगेड्स अपने खेले गए लास्ट 10 मैचों में से 3 मैच जीत कर आ रहे हैं, जबकि यार होबर्ट हरिकेन्स ने अभी तक इस स्टेडियम में 8 मैच खेले, जिनमें से 5 मैचों में जीत दर्ज की है, और दोस्तों यहाँ का वेदर क्लियर रहेगा, यहाँ पर बरसात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और दोस्तों नमी रहेगी। आपकी फैंटेसी टीम में आप बल्लेबाज ज्यादा रखना, और दोस्तों मेरे से फैंटेसी टीम लेना चाहते हो तो यार आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और जो टॉप 5 प्लेयर है हमारे उसमें दोस्तों आ जाते हैं टॉम रोजर्स, अकिल हुसैन, पैट्रिक डुल्ले, एरन फिंच और विल सदरलैंड। दोस्तों मैं आपको 5 प्लेयर यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी फैंटेसी टीम आपको टेलीग्राम चैनल
पर दूंगा। और दोस्तों टॉस की प्रिडिक्शन और फाइनल मैच प्रिडिक्शन भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे। दोस्तों बात करते हैं यार मैच प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और दोनों टीमें काफी अच्छी कंडीशन में भी दिख रहे हैं। लेकिन यार अगर बात की जाए गूगल की प्रिडिक्शन के बारे में तो दोस्तों गूगल की प्रिडिक्शन के अनुसार मेलबर्न रेनेगेड्स इस मैच को 49% जीत सकती है, हॉबर्ट हरिकेन्स इस मैच को 51% जीत सकती है। लेकिन यार अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में तो दोस्तों मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के अनुसार इस मैच को मेलबर्न रेनेगेड्स ही जीत सकती है। आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपको पता ही यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। साथ में यार अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।